तो जैसे कि आपको पता है, बिग बॉस 17 घर के अंदर फैमिली वीक खत्म हो चुका है और फैमिली वीक खत्म होने के बाद ऐसी न्यूज आ रही है कि एक के फैन अगर बैठे होंगे तो वो तो उछल पड़ेंगे और अगर खड़े होंगे तो उड़ेंगे और एक के फैंस यू नो नाराज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से खबरें आ रही है। खबरें कुछ ऐसी है कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उस पर कितना विश्वास करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए और आगे जाके क्या चीजें बदल सकती है और क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। भाई जो कॉम्पिटिशन है ना, बहुत ही तकड़ा हो चुका है, बहुत ही तकड़ा। देखो जो मुनार फारूकी है वो तो रेस में सबसे आगे है और जो अभिषेक कुमार है वो भी रेस में सबसे आगे है, पर पहले अंकिता लोखंडे सबसे आगे थी, पर उनके घर के झगड़े, घर के मसले और उनके हस्बैंड को बचाने में अब उनका नाम आ रहा है। सो विनर कौन बनेगा? अंकिता बनेगी, मुनावर बनेगा या फिर अभिषेक बनेगा? क्योंकि गाइस इन तीनों का ही नाम सबसे आगे आ रहा है और जो बाकी के तीन है, ना मनारा का नाम आ रहा है, ना ईशा का नाम आ रहा है और ना ही विक्की का आ रहा है। तो गाइस ये जो ये तीन है ये तो सबसे एंड तक रहेंगे और जो बाकी के तीन है वो सबसे पहले ही खिसक जाएंगे। ये हमारा नहीं, ये लोगों का कहना है, पर जो बिग बॉस है ना उनकी प्रिडिक्शन हमारी प्रिडिक्शन से हमेशा अलग ही होती है। क्योंकि जो देखो पहले भी कुछ चीजें हुई थी, पहले भी किसी ने खबर फैलाई थी ये जीतेगा, बट हुआ उसके कुछ उलट ही था। तो चलिए मैं आपको परसेंट के माध्यम से कुछ चीजें बताता हूँ। ये मेरे परसेंट नहीं है बल्कि द खबरी के परसेंट है। उन्होंने अपने ट्विटर चैनल पे कुछ चीजें बताई है पर्सन के माध्यम से, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो गाइस जो मुनावर है, मुनावर फैमिली वीक के बाद उसके जीतने के परसेंट 55% हो चुके हैं। जी हाँ। और दूसरा नाम आ रहा है अभिषेक कुमार का, उनके जीतने के परसेंट हुए 25%, मतलब 30% कम सीधा वो भी मुनावर से। और तीसरा नाम लिया जा रहा है वो है अंकिता लोखंडे का, उनके विनिंग परसेंट चल रहे अभी 15%, बिल्कुल 15%। और जो बाकी के तीन कंटेस्टेंट है उनका मतलब 5-5%, उन सबका 5-5% आ रहा है। तो गाइज ये विनिंग प्रिडिक्शन उन्होंने वहां पे रखी है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। तो गाइज ये देखिए जी, ये विनिंग प्रिडिक्शन उन्होंने वहां पे खबरी ने डाल दिया, चाहे तो आप देख भी सकते हो। और उन्होंने ऐसा कहा है कि जो ये सीजन है ना ये क्लियर शॉट है। क्लियर शॉट मतलब, क्लियर शॉट का वर्ड क्यों यूज किया उन्होंने वीडियो में, क्लियर शॉट मतलब जो मुनार फारूकी है वो इस सीजन को क्लियर शॉट जीत रहे हैं। तो गाइस मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, जो पिछले सीजन के अंदर, पिछले सीजन सीजन 16 में भी ऐसा ही हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था ये शिव ठाकरे जीतेंगे या प्रियंका चहर चौधरी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है शिव ठाकरे का फैन फैंडम उनको जिताने के लिए लड़ रहा था और प्रियंका चहर चौधरी का फैन फैंडम दूसरों को डोमिनेट करने में लगा हुआ था। तो ऐसी टक्कर वहां पे चल रही थी और गाइस इनकी तरफ से एक बंदा इनसे आगे निकल गया। जी हाँ, जिसकी अभी MS धोनी के साथ एडवर्टाइजमेंट भी आई है। जी मैं बात कर रहा हूँ सीजन 16 के विनर MC Stan की। एक भी ट्विटर हैंडल नहीं और कहीं भी नहीं बताया गया कि MC Stan सबसे अधिक वोट में है। तो गाइस मैं आपको सीजन 16 की वो बता दूं कि कौन पहले नंबर पे था और कौन दूसरे पे। तो पहले नंबर पे था जाओ वो था MC Stan और जो दूसरे नंबर पे था वो था शिव ठाकरे और जो तीसरे नंबर पे था वो थी प्रियंका चहर चौधरी। और इसी तरीके से हमने शो में एविक्शन भी देखे। अब यहाँ की बात की जाए ना तो यहाँ की खबरी का जो प्रिडिक्शन रहता है वो बिल्कुल सही रहता है। और जो गाइस रियल खबरी नाम का ट्विटर हैंडल ने हमें इंटरनेट सोर्सेस के द्वारा, मतलब जो खबरें लीक हुई है उसके मुताबिक उसने हमें यही बताया कि मुनावर फारूकी ये सीजन जीत रहे हैं। जी हाँ, मुनावर फारूकी जीत रहे हैं, पर जो ट्विटर हैंडल है ना वो रियल खबरी नाम का, वो मुनावर फारूकी को इतना सपोर्ट भी नहीं करता, पर उसने हमें यही बताया कि मुनावर फारूकी ये सीजन जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इधर उधर ऊपर नीचे जहां से भी खबर आ रही है उधर यही बताया जा रहा है कि मुनार फारूकी ये सीजन जीत रहे हैं, जैसे पिछले सीजन प्रियंका चहर चौधरी जीत रही थी। तो एंड मोमेंट में क्या होगा ये सबसे बड़ी चीज रहेगी देखने वाली, क्योंकि इन दोनों के फैंस के बीच जो भी है मुनावर अभिषेक, इनके बीच खतरनाक टकराव होने वाला है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मुनावर फारूकी को भारी क्यों पड़ने वाला है, क्योंकि देखो कोई भी न्यूज चल रही हो, अंदर कैसी भी न्यूज हो,
पर जो एलविश यादव नाम का सागर है ना, और जो उसे समुंदर कह सकते हैं, उसके इतने फैंस है ना, और उसका सपोर्ट एलविश यादव का अभिषेक को जा रहा है। और जो UK07 राइडर है अनुराग डोवाल, उसका सपोर्ट भी अभिषेक को जा रहा है। तो गाइज, बिग बॉस से जुड़े लोगों के मैं इतनी नाम लेना चाहूँगा, प्रिंस नरूला वगैरह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर जो गाइज ये लोग है ना, एंड में आके जो अभिषेक को सपोर्ट करेंगे, वो गाइज देखने वाली चीज रहेगी। क्योंकि देखो, जो फिनाले होता है ना, उसमें कोई सीजन नहीं भी देखता, वो भी आके वोट करता है। तो देखने वाली बात रहेगी कि एलविश यादव और अनुराग डोभाल, कटारिया जैसे लोगों का आखिर में इनका फैन फैंडम अपने फैंस लोगों को कहेंगे अभिषेक को सपोर्ट करने के लिए। तो गाइज बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है फिनाले में, क्योंकि देखो मुनावर का फैन फैंडम तो ऑलरेडी बड़ा ही है, और एलविश यादव का भी बड़ा ही है, और जब ये आपस में टकराएंगे तो गाइज बहुत ही मजा आने वाला है फिनाले देखने में। और जो जैसी भी न्यूज़ चल रही है, कैसी भी न्यूज़ चल रही हो, पर आप लोग अपने सपोर्ट करें अपने क्रिएटर को, जो भी आपको अच्छा लग रहा है बिग बॉस में, कंटेस्टेंट जो भी अच्छा कर रहा है वो उसको वोट कीजिए, मेरी तरफ से तो यही रहेगा। बट मेरा सपोर्ट तो अभिषेक को ही जा रहा है, तो गाइज अभिषेक को ही करना है मेरी तरफ से। तो जो है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।